मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियां तू ही रे। मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियां तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, मांगू रे। पिंकी मामा, आई लव यू। वाओ, इतने सारे टॉयज, ये प्यारी प्यारी ड्रेसेस, कितनी क्यूट है। आप मेरे लिए ये सब लोगे ना मम्मा? ये ब्लैंकेट तो बहुत अच्छी है, मुझे ये भी चाहिए, सब चाहिए मुझे। ओके, मैं सब ले लूंगी तेरे लिए। उमर माता, डोंट वरी, मैं शिवाय की माँ हूँ, मुझे ना माँ बनने की बड़ी प्रैक्टिस है। बाय गॉड, पूरी दुकान चाहिए ना तो वो भी खरीद लूंगी। बस तू बड़ा होके ना ईशर पास जैसा बन जाना, और अगर बेटी हुई ना तो बिल्कुल अनिका जैसी। भाई, शिवाय सिंह ओबेरॉय के टशनबाज मम्मी पिंकी जी यानी नितिका आज कर रही है अपने आने वाले बेबी के लिए शॉपिंग। लेकिन ये शॉपिंग उनके ऑन स्क्रीन बेटे शिवाय के लिए नहीं, बल्कि रियल लाइफ में उनके आने वाले बेबी के लिए। और ये शॉपिंग हो रही है सास बहू और बेटिया संग। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां, सब्र से इश्क महरूम है। इश्कबाज की पिंकी ओबेरॉय यानी नितिका आनंद मुखर्जी रियल लाइफ में जल्दी मम्मी बनने वाली है, इसलिए वो आजकल मैटरनिटी ब्रेक पर है अपने सीरियल इश्कबाज से। और इस ब्रेक पर देखिए कैसे खुद का ख्याल रख रही हैं, तरह तरह की एक्सरसाइज कर रही हैं, कुछ खास तरह का खाना पीना खा रही हैं, और साथ साथ अपने आने वाले बेबी के लिए कर रही हैं तैयारियां, यानी डायपर्स की शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग वगैरह वगैरह। तो होने वाली मम्मी से मिलने के लिए आज हम नितिका के साथ करेंगे एक मम्मी वाला डे आउट, बिताएंगे उनके साथ पूरा एक दिन, जानेंगे कि आने वाली मम्मी की लाइफ में क्या कुछ होता है। और ये जानने के लिए हम पहुंचे नितिका के घर, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा हेलो मम्मी जी। हेलो, चलिए भाई। वक्त बदल गया है और आजकल मम्मीज भी काफी स्मार्ट हो गई है, इंटरनेट के साथ साथ बड़े बूढ़ों की बातें भी मानती है, इसलिए नितिका अपनी डाइट में अपनी नानी मम्मी और सास की एडवाइस फॉलो कर रही हैं। मेरे घर में सुबह सुबह आप लोग आए हैं, पहले मैं अपना दिनचर्या आपको बता देती हूँ। आज तो थोड़ी सजी धजी हूँ क्योंकि मुझे पता था मुझे कैमरा फेस करना है, लेकिन शुरुआत पे मैं सबसे पहले योगा करती हूँ, करके दिखाऊंगी आपको। और यहाँ चलते हैं, मेरा खजाना। आजकल अपने बेबी के साथ मुझे बहुत कुछ खाना पड़ता है, विच इज़ अ ट्रीट फॉर मी, मुझे खाने का वैसे भी बहुत शौक है। सो दिस इज़ माय ड्राई फ्रूट्स का खजाना, दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट माय डे। टू दिस इज़ कॉल्ड चिलगोजे, आई डोंट नो आप लोगों को पता है, बहुत पुराने मिलते थे दिल्ली में, तो बहुत मिलते हैं अब, लेकिन ये पाकिस्तान से आते हैं और मुझे बहुत पसंद है। कॉल्ड पाइन नट्स इन इंग्लिश, तो ये भी मैं बहुत खाती हूँ। आजकल थोड़ी गर्मी हो गई है तो मम्मी रोज़ ज़िद करती है भिगो कर खाओ, लेकिन मैं फिर भी छिलके से उतार के जो मुँह में डालने का मज़ा है। थोड़ा गुलकंद खाती हूँ, जैसे बिकॉज आजकल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लगिश हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो गुलकंद रेकमेंड करते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ ब्रांड, बट गुलकंद और किसी का मिलता नहीं है, दिस इज़ क्लीन एंड नाइसली पैक्ड, सो आई हैव दैट। उसके बाद फ्रूट खाती हूँ सबसे पहले, ये मेरे फ्रूट्स का खजाना है, और आई एम सो ग्लैड दे हैव कम बैक टू माई लाइफ। हम लोग जब छोटे शहर में रहते थे बहुत फल खाते थे, बॉम्बे में आके वो चीज़ थोड़ी सी कहीं गायब हो गई। आई थिंक द फास्ट फूड कल्चर टुक ओवर अस, बट द बेबी हैज़ ब्रॉट दैट बैक टू मी। तो मैं सारे फ्रूट्स आजकल आजमा रही हूँ, जो आम मैं भूल गई थी, अब आए हैं आमों का सीज़न, तो अच्छे से कभी मिल्क शेक बना के पीती हूँ या ऐसे खाती हूँ। इसे मैं तो फुलबड़ी कहती हूँ, ये मेरे को एक्चुअली शेनू ने दी है, हमारे शो शेनू पारे, शी गिफ्टेड मी दीज फुलबड़ीज़ बिकॉज वो लंच में रोज़ लाती थी और मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है, इतना बड़ा पैकेट ही इट गिफ्टेड मी। तो आज मैंने एक्चुअली लंच में कद्दू और ये सब खाया था, तो बिकॉज इट्स ऑल द वेजिटेबल्स आई हैव टू हैव, मैंने इसके साथ थोड़ा सा उसे इंटरेस्टिंग बनाया था, वी हैड इट। एंड मुझे आम का अचार और नींबू का अचार बहुत पसंद है, तो ये मेरी मम्मी ने स्पेशली डाला है। आजकल थोड़ा सा ओवरकास्ट है तो धूप नहीं लगा है, इसलिए अभी भी इट्स पैक्ड, मुझे खोलने को नहीं मिला, आई एम वेटिंग कब मैं खोल के चटकारे मारूँ। मैं रुजुता को फॉलो कर रही हूँ, शी सेज अचार एंड ऑल दीज चटनीज जो घर की बनी होती हैं काफ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए बिकॉज स्वेलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है लेग्स में,
तो नमक के लिए कम करते हैं, तो मैं थोड़ा खाती हूँ, लेकिन जैसे जो दही काम करता है वही अचार और चटनियाँ घर की बनी हुई ना थोड़ी। मुझे मखाने बहुत पसंद है, देखो लोटस सीड्स आई थिंक नाउ, एंड ये मूरी है, मेरी मदर भून के रखती हैं, मोटी है, इट्स नॉट द यूजुअल भेल दैट वी हैव हियर, मोटी मूरी बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बनारस में बहुत खाते थे, मेरा नानी घर वहाँ का है, तो ये जो चीज़ें बचपन में खाई हुई हैं सब वापस आ गई हैं बहुत खाने का मन करता है। बहुत स्पेशल चीज़ है जो कलकत्ता से मेरे लिए मेरी सास भेजती रहती हैं जब भी आती हैं, लेके आती हैं, वो है घी कलकत्ता का घी ना ब्राउन कलर का होता है, और हम लोग इसे कच्चे राइस के साथ खाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में यू शुड हैव कच्चा घी अलॉट लिटिल बिट अ टी स्पून इन योर राइस और एनीथिंग, बिकॉज इट्स वेरी गुड, इट्स हेल्दी। अगेन रुजिता इज़ माई गुरु दीज डेज, आजकल मैं उनकी हर किताब पढ़ के रहती हूँ बिकॉज आई एम होम। तो ये घी बहुत टेस्टी होता है, एंड मैं दूसरे का नाम भूल रही हूँ, दिस इज़ बांछा राम, दिस इज़ अ शॉप देयर एंड एक्सलेंट, दिस इज़ माई डेलिकसी। जब मुझे खाना पसंद नहीं आता और मुझे वो तुरई लौकी सब खाना पड़ता है, थोड़ा सा उसके ऊपर घी डाल के। मम्मी बनने के लिए नितिका का सबसे बड़ा रिजीम होता है योगासन का, तो देखते हैं कौन से योगासन कर रही हैं हमारी होने वाली मम्मी जी। महामुद्रा जो मैंने ईशा फाउंडेशन से सीखी थी कुछ साल पहले, जस्ट स्टार्टेड इट एज किसी भी योगा क्लास में जैसे आप इनरोल करते हैं, बट मुझे पता चला प्रेगनेंसी में भी इसका बहुत वो है, आम जिंदगी में भी फोकस के लिए इट्स अ वेरी गुड, हमारे एक्टर्स के लिए, हम लोग आम की वो क्या बोलते हैं, यू चांट दी आम सो दैट आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाए, बिकॉज आजकल सांस बहुत फूलती है, यू आर कैरिंग सो मच वेट। सो आई जस्ट शो यू अ शॉर्ट, इट्स अ 21 मिनट क्रिया, वो तो मैं अभी करूँगी नहीं आपके सामने, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या आता है। आपने नोटिस किया होगा मैं ओम नहीं बोलती, आम बोलती हूँ, बिकॉज हमारे गुरुजी ने मैं बताया है कि एक्चुअली इट्स ओम कंसिस्ट ऑफ 3 साउंड्स, आ बिकॉज आप बेसिक साउंड क्या निकालते हैं, आ और आ ओ उम, तीनों इक्वल होने चाहिए, तो दो ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रा ट्राई टू डू। अभी भी मैं बात बहुत कर रही हूँ इसलिए सांस फूल रही है, बट वो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल काम स्टेट में इसे करना है। सो वी डोंट टॉक, वी डोंट अलाउ एनीबडी आस पास हो, बिल्कुल मॉर्निंग में सबसे पहली चीज़ ये होती है विदाउट ईटिंग एनीथिंग, तो खाने से पहले वो नट से पहले मैं ये करती हूँ। शाम को मेरी सैर होती है विच इज़ अ मस्ट फॉर प्रेगनेंट लेडीज, कहते हैं आप योगा मत करो कुछ नहीं करो, लेकिन हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी और इन वॉक बहुत ज़रूरी होती है, और कई लोग 9 मंथ्स अगर वॉक कर लें यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, सो दैट्स माई टिप फॉर ऑल प्रेगनेंट लेडीज। नितिका की प्रेगनेंसी का ये 8वां महीना चल रहा है, इसलिए उनकी मम्मी भी उनका ख्याल रखने के लिए आई हुई हैं मुंबई में, और देखिए मम्मी कैसे होने वाली मम्मी का ख्याल रख रही हैं। टुक 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 होती है एंड देन वी लैंड अप फाइटिंग, मम्मा प्लीज लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। तो अभी ये किशमिश चिलगोजे इनकी देने, इन्होंने मुझे ये खाना सिखाया है, चिलगोजे स्पेशली मेरी नानी लाती थी, कहती हैं कि नानी बहुत खाती थी और मैं भी खाती हूँ, तो शी कंसिडर्स मी माई नानी का रूप वॉट एवर। तो अभी मुझे ये चिलगोजे खिलाएंगी, एप्पल काटेंगी, मुझे फ्रूट्स काटने बहुत बुरे लगते हैं, शी टेल्स मी आई एम अ स्पॉइल्ड गर्ल बिकॉज ऐसे खा लेती थी मैं, अब मुझे पील उतार के खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो द कटिंग एंड ऑल पैम्परिंग मैं सब अब आज अपने टीनेज ईयर्स जी रही हूँ, और बिहेव भी बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ आजकल। बदला ना सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी वैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ, धीमे धीमे स्लोली स्लोली I'm learning burning siku viku nahi supa dheeme dheeme slowly slowly I'm learning burning siku viku nahi supa main kabhi fruit khati hu sham ko bhi khati hu 6 baje se pehle subah bhi khati hu to fruits mere kafi बेबी के फेवरेट होने वाले आए थे। पहले तो मम्मा बताती हैं कि उनके जो घर में लोग होते थे वही बता देते क्या खाना है, और अच्छी अच्छी चीज़ें आती भी थी, अब बहुत एफर्ट करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए, यू डोंट नो किस फ्रूट में फर्टिलाइजर्स होंगे, कहाँ से हम अखरोट अच्छे लाएँ क्वालिटी अच्छी हो, तो एफर्ट बहुत करना पड़ता है।
पहले एफर्ट नहीं करना पड़ता था, बट कॉन्शियस तो सब होते हैं. आई थिंक प्रेगनेंसी इज़ वन स्टेज जब आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सुधार भी सकते हैं. इट्स अ गुड फेज फॉर यू. कहते हैं जो बच्चों के हार्मोन्स होते हैं वो भी आपको और हेल्दी बना देते हैं, बिकॉज सारा फ्लशिंग आउट हो जाता है उससे. कल तो ज़्यादा डिमांड नहीं है, पर हाँ पानी पूरी मांगी इसने एक दिन, मैंने घर में बनाई, बिकॉज बाज़ार का पानी अभी इसके लिए, अभी बाज़ार का इसको ज़्यादा मना है, मतलब अलाउड नहीं है ज़्यादा. तो पराठा, स्टफ पराठा, मिक्स पराठा, पंजाबी फूड पसंद है इसको, राजमा पसंद है, और बेसिकली मीठा भी पसंद है, पर अवॉइड कर रही है चीनी थोड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा गुड़ डाल देते हैं या किसी चीज़ में. पंजीरी टाइप बनाया ना, कसार पिन्नी, तो उसमें आजकल गर्मी में थोड़ा कम दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी कम ले रही है. आजकल लड़कियां इतनी मच्योर्ड हो गई हैं कि ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, फिर भी जो चीज़ इसको मेरे हाथ की पसंद है वो बेसिकली बना के देती हूँ. पिक्चर्स वगैरह इतनी नहीं लगाई हैं क्योंकि हमारा घर अभी एक महीने पहले पेंट हुआ है, सो आपकी सारी पिक्चर्स उतार दी हैं. बट हाँ, ये मेरे नेफ्यू की पिक्चर है. We are very fond of even the elder one, but the elder one's grown too much. He's a teenager now, 16 साल का हो गया वो. बिल्कुल, he's half man. But ये इसको हमने इसी स्टेज पर देखा था, और me and my husband are very fond of him. So इसकी पिक्चर मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हूँ. He was a very cute baby. You can, my mother-in-law is going to slap me. क्यों उसको इतना फ्लॉन्ट कर रही हो? But yeah, that's the baby picture that I have only. Rijuli, we call him. प्यार से, यहाँ पे रहते नहीं हैं, यूएसए में रहते हैं, तो पिक्चर से ही काम चलाना पड़ता है. और अब बड़े हो गए हैं तो ये स्टेज तो दिखती नहीं है. अब हमारा नया आने वाला है मेहमान, तो उसका चाइल्डहुड अब एंजॉय करेंगे. वैसे मम्मी बनने से पहले और बाद में बेबी शॉपिंग का जो मज़ा है वो हर माँ जानती है. चलिए, आज मेरा शॉपिंग का दिन था और आप लोग भी आ गए हैं, तो आप भी शामिल हो जाइए. करते हैं थोड़ी मज़ेदार शॉपिंग, बेबी शॉपिंग. आई लव डूइंग इट. कितने दिन से मेरे अरमान थे, आज पूरे होने वाले हैं. आइए. हमारी पिंकी ओबराय यानी नितिका सास वो बेटा के साथ करेंगी बेबी शॉपिंग, वो भी मुंबई के मशहूर स्टोर शॉपर्स स्टॉप में. थोड़ी मदर शॉपिंग भी कर लेते हैं और थोड़ी बेबी शॉपिंग भी कर लेते हैं. आइए मेरे साथ. सो वीव कम टू मदर केयर. स्टार्ट करते हैं. बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत बड़ा सेक्शन है इनका. हमारे ओबरॉय मॉल में इतना बड़ा सेक्शन नहीं है. सो लेट्स गो टू द यूनिसेक्स सेक्शन. अभी तो पता नहीं है बॉय होगा या गर्ल. वॉट एवर एक्सेस. हाउ इज दिस मामा? क्यूट ना, सॉफ्ट ऑल्सो. दिस इज रियली क्यूट, आई रियली लाइक इट. बट इट्स फॉर 1 to 3 months, नॉट फॉर अ न्यू बॉर्न. वी नीड सम साइड में बटन्स होने चाहिए, बिकॉज हेड बहुत सॉफ्ट होता है उस समय, मैंने सुना है. तो साइड बटन्स या साइड स्नैपर्स बोलते हैं वैसे. आई थिंक similar to panda. I like the panda. These slim suits, sleep suits. Yeah, this is got. Yeah, that one also has a smaller size. Does not mean I want a boy or a girl. It's just the color is nice. I love pinks also. Yeah. This is for a new baby. I don't know how many months. But yeah, so there are these sections jisme likha hai premature, tiny baby, new baby, up to 50 centimeters, 7.5 pounds. I think itna to hoga. Rakh leti hu. You know what? I bought 2-3 jumpers, but I think I'm getting carried away. Sleep suit hi dete hain, ek design ka ek. ये भी देखो, इसमें सब कुछ है. मैं ये सवाल पूछ लाइक दिस. हाँ, तो आपको अभी तो obviously अभी पता नहीं है कि भाई गर्ल है, गर्ल है कि बॉय है, लेकिन आपने पिंक पिक किया. आई थिंक बॉयज को भी पिंक पहना सकते हैं, इवन इफ इट्स अ गर्ल. इट्स नॉट अ गर्ल सेंट्रिक कलर. बेबीज लुक क्यूट इन इट, पर हाँ, गर्ल्स पे पिंक एसोसिएटिव लगता है हमें. बट मैं तो अगर बॉय हुआ तब भी पिंक पहना दूँगी. आई लव पिंक, दैट्स ऑल. टू पीस सेट, दिस इज़ अ जॉम्पर. ये मिटन्स के साथ है क्योंकि बेबीज़ के फीट एंड ऑल इतने मोबाइल नहीं होते, तो उन्हें कवर्ड रखते हैं आई थिंक. और ये बिब दिया हुआ है साथ में. बेबीज़ आई थिंक रिफ्लक्स होता है तो वॉमिट करते हैं थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम. एंड दीज आर स्नैपर्स, या नीचे बहुत कन्वीनियंट होते हैं. मैंने नेट पर पढ़ा था दैट बेबी के हेड से चीज़ें ना उतरें शुरुआत में तो अच्छा होता है, नीचे से पहना सकते हैं उन्हें. और ये बड़ी जगह मिलती है उन्हें डालने के लिए. तो साइड बटन्स और ये नीचे के बटन्स आर मच बेटर.
सो आई एम सर्टनली पिकिंग दिस वन अप. लेट्स सी, थोड़े कम भी करने पड़ेंगे, अभी तो मैं पागल हुई हुई हूँ. मदर केयर में बच्चों के लिए इतना कुछ मिलता है कि सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएं, और नितिका भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने जरूरत के हिसाब से शॉपिंग की. ये बहुत पसंद आ रहा है मुझे. आई थिंक इसमें तीनों स्टाइल्स हैं, बीच के भी बटन्स हैं, साइड के स्नैपर्स भी हैं ऐसे बटन्स, और ये वाला अच्छा, दिस इज सीमलेस, वेरी नाइस. या मुझे भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई एम श्योर वो मेरे ऊपर भी वॉमिट करने वाली है या वाला है. हमारे बॉम्बे के घर थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं, तो ऑलरेडी मेरे कमरे में इतना कुछ आ गया है, एंड दिस इज़ क्वाइट रीजनेबल ऑल्सो. यस, सो आई विल गो फॉर दिस, लेकिन अभी नहीं, बाद में, क्योंकि मुझे अभी किसी ने एडवाइस किया है कि इसमें बच्चों के शुरू में टॉयज़ ही पड़े रहते हैं, जब तक बच्चे छोटे होते हैं आपके बीच में ही सोएंगे. सो बोलते हैं इसे टॉप एंड टेल बोल, तो जब बेबी को स्पंज देना होता है या उसकी चीज़ें हैं, सो यू कैन कीप हॉट वाटर एक सेक्शन में, और उसके सब गैजेट्स जो भी होंगे, ब्रश एंड क्लीनिंग वाइप्स वगैरह, उसके साथ आप बेड पे ले जाके बच्चे को क्लीन कर सकते हैं. वेरी हैंडी. मैंने सुना था कि बेबी को बेदिंग बहुत टफ होता है इनिशियल डेज में. यूजली नर्सेस करती हैं, या हमारे यहाँ वो जापा मेड्स होती हैं, वो करती हैं, पर सीखना तो पड़ता है. तो ये बाथटब है, इसमें सारी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे स्पंज, बेबी का थर्मोमीटर भी है, जो ये बहुत इंटरेस्टिंग बाथटब है. मैंने सुना था बेबीज़ को नहलाना इज़ अ वेरी वेरी टैक्टफुल जॉब, क्योंकि शुरुआत में बहुत डेंटी होते हैं बच्चे, तो या तो नर्सेस करती हैं, जापा मेड्स करती हैं, पर हमें भी करना पड़ता है आफ्टर सम टाइम. तो ये बाथटब बहुत वेल इक्विप्ड है, इसमें बाथ थर्मोमीटर भी है. हम लोग, मम्मी बताती हैं, एल्बो से पहले कोनी से चेक किया जाता था कि टॉवल हैट आल्सो आई रियली लाइक इट, पर हमने आई थिंक दो तीन टॉवल्स ले लिए हैं ऑलरेडी कल परसों में, बट बाद में जब जरूरत पड़ेगा. मैं प्राइस ज़रूर देखती हूँ, बिकॉज मदर केयर इज़ अ लिटिल स्टीप. हम लोग भी सोच समझ के खर्चा करते हैं, बट बेबी के लिए बहुत इंडल्ज करने का मन करता है. आई फाइंड इट वेरी नाइस. फ्लैनल इनसाइड, सो सॉफ्ट, वेरी प्रिटी, आई लाइक दिस. बहुत अच्छा है. मुझे बताया जा रहा है कि ये समर और विंटर दोनों में यूज़ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉटन शीट है और यहाँ पे बहुत सॉफ्ट फ्लैनल है जो थोड़ा वार्म है. तो अगर बेबी कोई ये चुभे तो आप दूसरी तरफ से उसे उठा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से. थिंक दिस इज़ अ वेरी हैंडी थिंग. बेबी शुरू शुरू में रैप होते हैं, बिकॉज उनकी बोन्स वगैरह सॉफ्ट होती हैं, एंड दे नीड टू बी रैप. उन्हें अच्छा लगता है ऐसे कोजी. कपड़ा बहुत सॉफ्ट होगा, बिकॉज बिल्कुल स्किन को चिपक जाता है. आई थिंक ओ दिस इज अ पिलो. आपके थॉट प्रोसेस को तो चलने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल आजकल मार्केट में. हु विल नॉट पिक दिस अप यार, कितने स्वीट कलर्स हैं. क्या है भाई प्राइस टैग इसका? आई कांट सी इट, इट्स ओके. व्हेन आई कांट सी इट्स गुड, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक देम अप. दे आर वेरी क्यूट. इन्हें तो मैं कबर्ड में जाते ही लगा दूंगी, फिर जब कपड़े टंगेंगे तो टंगेंगे. और कॉट्स मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं खरीदूंगी, उनकी नॉलेज भी अच्छी है काफ़ी, वो सब चीज़ मेटिकुलसली देखेंगे और बताएंगे. तो मामीज एंड सब बहुत टास्क लगता है उन्हें अपने बच्चों को इस पर बिठा कर खाना खिलाने के लिए. दे वॉन्ट टू बी विद यू ऑन द डाइनिंग टेबल, तो कुछ हद तक ठीक है. उसके बाद दीज आर डिसीजंस आई एम लीविंग फॉर आफ्टर डिलीवरी. यहाँ पे बेबी पाउडर है. कई कई लोग आजकल पाउडर मसाज इन सब के लिए मना कर रहे हैं, पर पाउडर आई लव द स्मेल. बचपन में वो जॉनसन्स बेबी की जो पाउडर की स्मेल होती थी, वो हमें बेबीज़ के लिए रिमाइंड करती थी, पर आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं. अरे ये ऑयल है मसाजिंग के लिए, आई थिंक इनमें कुछ केमिकल्स नहीं होते, तो बहुत अच्छे होते हैं. सुना है नेल क्लिपर्स, सबसे मुश्किल काम बेबीज़ के नेल्स काटना होता है, क्योंकि उनके नेल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और वो हमें भी हर्ट करते हैं, खुद को भी हर्ट करते हैं, बिकॉज ये फीड कर रहे होते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इसेंशियल आइटम अपने किट में रखने के लिए. इसका मैं प्राइस भी नहीं देखूंगी, ये मेरे बैग में सीधे जाएगा, बिकॉज ये बाद में मैं भूल जाऊंगी खरीदने के लिए.
ये तो हम लोग, इससे पहले मैं मेकअप वाइप्स यूज़ करती थी, अब इसका दौर आ गया है, तो एक ये रख लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई देयर टू डिफरेंट आइटम्स, यहाँ पे एक ब्लू है और एक पिंक है। अब ये मत बताइए मुझे कि ये भी बॉय गर्ल के लिए उन्होंने कलर बदले हुए हैं। हमारे पुराने ज़माने में तो वो डंडे वाले होते थे, ऐसे माइक की तरह हिलाते थे एंड, लेकिन ये आई थिंक आजकल बेबी, क्योंकि उनको कलर्स बहुत अपील करते हैं और उनकी आईज़ को फोकस करना सिखाते हैं, तो ये उनकी प्रैम में टांगा जा सकता है ऐसे, इट्स क्वाइट क्यूट। डिफरेंट एनिमल्स के साथ आई रियली लाइक इट, बट दिस इज 6 months एंड प्लस न्यू बॉर्न बेब्स, और ये प्लास्टिक शीट्स पीछे लगी हुई हैं ताकि वॉश भी हो सकें और अब्जॉर्ब कर सकें जो बच्चे खाना गिराते हैं। आई थिंक दिस इज रियली क्यूट, बट दिस इज नाइस। तो चलिए देखते हैं कि नितिका ने अपने और अपने होने वाले बेबी के लिए क्या क्या खरीदा। और ये मेरी फेवरेट है, बूटीज बेबी के लिए, बहुत क्यूट है। दीज आर अ फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, आई रियली लाइक देम बच्चों के लिए, और ये कलर भी बहुत सूदिंग है।